आपने स्टडी अब्रॉड और खास करके चाइना के लिए, वहाँ पे चाइना मेंशन होता है क्योंकि कुछ फोटोज इतनी ब्लर होती हैं कि मैं खुद देख के कहता हूँ कि पता नहीं यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करी थी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सूर हसन खुर्शीद और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं मुझसे पूछते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए चाइना में MBBS के अंदर एडमिशन लेने के लिए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जब आप मुझसे ये सवाल पूछा करेंगे मैं आपको ये लिंक सेंड कर दूंगा। या कोई भी जो एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट स्टूडेंट है अगर वो मेरी वीडियोज़ देख रहा है तो उसको भी इस चीज़ का इलम होना चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए चाइना में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के लिए भी ये सेम इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अपने बेटा या फिर बेटी के लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन फाइंड कर रहे हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं हर एक पॉसिबल जो डिटेल है यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा और जितने सवाल होते हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर ये है कि जी हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, इतनी लंबी लिस्ट नहीं है लेकिन मैं वन बाय वन गो थ्रू करता हूँ सबको। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट्स फॉर MBBS, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है जी आपका पासपोर्ट। ठीक है, आपके पास पासपोर्ट होना बहुत लाजम है। देखिए पासपोर्ट के विदाउट भी मैं सीट रिजर्व कर सकता हूँ आपकी, इसका मसला नहीं है। मैं CNSE के ऊपर या फिर इन वर्स्ट केस सिनेरियो बेफॉर्म के ऊपर भी आपका जो है वो सीट रिजर्व कर सकता हूँ, लेकिन इन दी एंड आपको पासपोर्ट दोबारा चाहिए होता है क्योंकि पासपोर्ट जो नंबर है आपका ये JW202 के ऊपर या फिर जो आपका एडमिशन लेटर है उसके ऊपर ये मेंशन होता है। इसके बगैर ना तो हम JW202 बना सकते हैं और ना कोई और चीज़ हो सकती है। हाँ, आरजी तौर के लिए मैं विद CNIC जो है CNIC या फिर जो बे फॉर्म है उस पर मैं सीट रिजर्व कर सकता हूँ कि आपकी सीट जो है वो किसी के पास नहीं जाएगी, आपकी सीट रिजर्व होगी, लेकिन आपके पास पासपोर्ट होना फिर भी लाजम है। तो बेहतर है कि आप पासपोर्ट पहले अपना बना के रखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, पाकिस्तान में आजकल पासपोर्ट काफ़ी टाइम लगा रहा है, कोई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको दो दो मंथ तक पासपोर्ट नहीं मिले। तो बेहतर है कि अगर आपका इरादा बनता ही है और इवन के फॉर अ बैकअप प्लान अपना पासपोर्ट अपने साथ रखें ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। पासपोर्ट मिलने के बाद जी मैट्रिक और FSC की मार्कशीट या फिर जो सर्टिफिकेट्स होते हैं FSC की। अच्छा, अब यहाँ पे कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट बोलते हैं जी हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया, ठीक है पार्ट टू का रिजल्ट हमारे पास नहीं है या फिर रिजल्ट नहीं आया या फिर हमें वो रिसीव जो है जो मार्कशीट है वो नहीं मिली। इस सूरत के अंदर आप पार्ट वन की बेस के ऊपर भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको फिर एक होप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। होप सर्टिफिकेट आप अपनी यूनिवर्सिटी से जहाँ से भी आप अपने कॉलेज से जहाँ से भी पढ़े हैं उन्हें जाके बताएं कि जी हमें एक होप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दें ताकि हम फ्यूचर यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकें। तो ये इतना हार्ड चीज़ नहीं है, अपने जो भी आपका कोऑर्डिनेटर है, वाइस प्रिंसिपल है, जो भी आपका है वहाँ पे आप उन्हें बताएं, वो आपको जो है होप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। और मोस्टली होप सर्टिफिकेट होता क्या है, इस पर जो है ना आपकी एक कह लें कि पार्ट वन की बेस के ऊपर वो आपको एक ना प्रडिक्शन देते हैं कि ये जो स्टूडेंट है लेट्स से एग्जाम्पल की तौर पे 80% नंबर लेके पास हो जाएगा हमारी होप या प्रडिक्शन के मुताबिक। तो इसकी बेस के ऊपर आप वीज़ा भी लगा सकते हैं, इसकी बेस के ऊपर आप एडमिशन भी ले सकते हैं, इसकी बेस पर हर चीज़ हो सकती है। तो पार्ट वन, अगर पार्ट टू नहीं है तो आपको ये होना आपके पास लाजम है। कोशिश करें कि आप जो है इसको साथ ही अप्लाई कर लें। अच्छा जी, पासपोर्ट हो गया जी, मैट्रिक होगी, आगे दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। एक जो होती है सनद होती है, नहीं आप जो है आप जो भी स्कूल से आपको मिलता है एक ओरिजिनल उस पे भी आपका काम चल जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं आपने 1-1.5 साल वेट करना है सनद का और फिर ये जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जो मार्कशीट आपको मिलती है आप वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो जो आप स्क्रीन शॉट लेते हैं, ठीक है, अपनी एग्जाम्पल के तौर पर BC गुजरा वाला पर जाके जो आप स्क्रीन शॉट लेते हैं वो नहीं चलेगा। आपको बकायदा पेपर चाहिए होगा विद स्टैम्प या फिर जो भी ऑफिशियल पेपर होता है या फिर जो स्कूल प्रोवाइड करता है आपको वो चीज़ चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन सब के स्कैन होने चाहिए, आपने इनका स्कैन जो है वो आपको स्कैन करना है। स्कैन के लिए मैं एक ब्रश एप्लीकेशन है वो यूज़ करता हूँ, कोई वाटर मार्क नहीं आता। मैं वो सिस्टम को देखता हूँ, वो कैम्स कटर यूज़ करते हैं, नीचे कैम्स कटर का इतना बड़ा जो है वो स्कैनर का नीचे वाटर मार्क आया होता है, वाटर मार्क अवॉइड करें क्योंकि देखिए आप एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। कोशिश करें कि आप थोड़ा प्रोफेशनल रहें इस चीज़ के अंदर। तो अडोब स्कैनर एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है, इसका कोई वाटर मार्क नहीं आता। आप इसको जाके प्ले स्टोर से या IS जो भी आपका एप्पल स्टोर से जाके इसको डाउनलोड करें, कोई वाटर मार्क नहीं आएगा। मुझे ये 5-6 साल हो गए इस चीज़ को यूज़ करते हुए, वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है आउट देयर। अच्छा जी, पासपोर्ट आ गया, मैट्रिक आ गई, उसके बाद जी आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़।
ये फोटो जो है डिजिटल फॉर्म में चाहिए, ये आपने फोन से नहीं फोटो लेनी, या जो फोटो आपके ऑलरेडी पास आपके पास पड़ी है उसकी फोटो नहीं लेनी। कोशिश करनी है कि आपने जो फोटो है ये जाके बकरा स्टूडियो के अंदर जाके उस फोटो को ले, अब उसको ले और जो बंदा है स्टूडियो वाला उसे बोले कि जी हमें इसका PDF या फिर JPEG जो है हमारे फ़ोन में, हमारे USB में या हमें CD में दे दें, ताकि हम वो जो PDF है या जो JPEG फाइल है वो हम डायरेक्ट अब मुझे सेंड कर दें, ताकि मैं जो है इसको अपलोड कर सकूँ। क्योंकि देखिए मैंने अक्सर देखा है, अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है मैंने कि वो फ़ोटो ले लेंगे फ़ोन से। देखें आप ऑलरेडी इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपने एजुकेशन के ऊपर, वाह कि आपने अपने फ़ोन से जो है वो 100-200 बचाने के चक्कर में वहाँ पे अपने जो है आगे फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। क्योंकि कुछ फ़ोटोज़ इतनी ब्लर्ड होती हैं कि मैं खुद देख के कहता हूँ कि पता नहीं यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तो कोशिश करें कि एक अच्छी फ़ोटो बना लें, आप उस फोटो को सेव कर लें, बेशक अगले दो साल चलाएँ, कोई मसला नहीं, लेकिन एक फ़ोटो अच्छी रखनी अपनी। तो फ़ोन वाला जो है वो आपने कोशिश करनी है कि ना ही करें, एक अच्छी बकायदा JPG जो फाइल होती है वो रखें अपने पास। और हाँ, एक और चीज़, आप वाइट बैकग्राउंड जो है ये प्रेफर्ड है। ये आपने जब वीज़ा के लिए जाना है तब भी आपको वाइट बैकग्राउंड चाहिए, जब आपने एडमिशन लेना है तब भी आपको वाइट बैकग्राउंड चाहिए। ब्लू से काम चल जाता है एडमिशन तक, लेकिन जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है आपको वाइट चाहिए, तो बेहतर है कि आप वाइट ही पहले बना लें। अच्छा, वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी फ़ोटो, क्योंकि चाइना में वाइट फोटो चलती है, वाइट बैकग्राउंड या रेड बैकग्राउंड मोस्टली चाइनीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन फॉरनर्स के लिए वो मोस्टली वाइट बैकग्राउंड यूज़ होता है, तो ये भी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, तीन चीज़ें आ गई, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, ये पहला स्टेप है, ये आपने तीन चीज़ें पहले प्रिपेयर करनी है, उसके बाद एनीथिंग एल्स। अच्छा, उसके बाद जो है आपको चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, इसको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये आपको चाइना का जो प्री मेड बना हुआ है वो चाहिए होगा। मैं आपको इसकी PNG फाइल या फिर PDF जो है PDF सेंड कर दूंगा, ये आप खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, फिजिकल फॉरनर फिजिकल फिटनेस फॉर्म आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये आपने किस तरीके से फिल करवाना है मैं इसका भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। इस फॉर्म के ऊपर 150 टेस्ट वगैरह लिखे होते हैं, ये आपने जाके जो है अपने डॉक्टर को देना है, जो भी आपका जानने वाला डॉक्टर है या जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है, जानने वाला है, मोहल्ले वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आप जाएँ सिविल के अंदर, सिविल हॉस्पिटल जो होता है एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का, एक जो बड़े सिटी का बड़ा हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पर जाके वहाँ से फिल करवाने की कोशिश करें। एक बार फिल करवाने के बाद आपने इस फॉर्म के ऊपर अपनी फ़ोटो लाजम लगानी है, दो पेजेस होती हैं इस फॉर्म के, ठीक है, एक फ़ोटो आपने लाजम लगवानी है और एंड पे डॉक्टर के जो सिग्नेचर और स्टैम्प है वो लाजम करवाना है, और एक स्टैम्प आपकी ऐसे आए कि आधी फ़ोटो के ऊपर और आधी उस फॉर्म के ऊपर, ताकि उन्हें लगे कि जब ये फॉर्म फिल हुआ था आपकी फ़ोटो वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद ढेर सारी चीज़ें होंगी, आपको चेक कर लें बड़ा ईजी, डॉक्टर को हर चीज़ें पता होती हैं, अपना एड्रेस नाम वगैरह हाइट शर्ट हर चीज़ में मैंशन करनी है आपने। अच्छा, ये चीज़ होगी। अगला है जी पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट आप बोल लें या पुलिस कैडर सर्टिफिकेट। ये ऑफकोर्स आपका जो भी इलाका है वहाँ पे जाएं, अपने करीबी तरीन जो है आपका पुलिस थाना है, स्टेशन है, वहाँ पे जाकर ने बोलें जी हमने चाइना के लिए, हमने स्टडी अब्रॉड, ये चीज़ भी मैंशन करनी है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए जिन्होंने स्टडी अब्रॉड मैंशन वहाँ पर नहीं करवाया था, बस वो पुलिस क्लीनर से लेके आ गए, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ था जी जॉब के लिए, जी हम जॉब ढूंढने के लिए जो है वो पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट में चाहिए। नहीं, आपने स्टडी अब्रॉड और खास करके चाइना के लिए, वहाँ पे चाइना मेंशन होता है, आपने ये लिखना है। हाँ, कुछ प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान में जहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं होती, लेकिन आपने में जाके ये चीज़ दाखिल होनी है कि जी मैंने स्टडी अब्रॉड बाहर जाने के लिए चाइना जाना है, मैंने एडमिशन लेना है, मुझे उसके लिए पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट चाहिए, आपने ये चीज़ जाकर अंदाजा मैंशन करनी है उनके साथ, ठीक है। अब ये चीज़ें आ गई, उसके बाद अच्छा ये बेसिक, हाँ अब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लिखता हूँ, एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिखा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये मांगती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी ये चीज़ें नहीं मांगती, इसलिए मैं इसको एक्स्ट्रा की कैटेगरी में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप जब भी अपना स्कूल छोड़ते हैं आपको वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है कि जी ये स्टूडेंट का करेक्टर किस तरीके का, बड़ा अच्छा है, अच्छा परफॉर्म किया वगैरह वगैरह। हर यूनिवर्सिटी नहीं मांगती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी मांगती है, अगर मैं आपसे ये मांगूँ आपने भी ये चीज़ प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये तो मस्ट है, ये पहले तीन जो है ये मस्ट है आपके, फिर ये दूसरी कैटेगरी है, अब हम तीसरी कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट आ गया आपका जी, सेल्फ इंट्रो वीडियो
सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो एक से दो मिनट की आपकी होगी, ये भी हर एक यूनिवर्सिटी नहीं मांगती, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी आजकल मांगना स्टार्ट कर रही है। अब वहाँ पे क्या होंगे, कुछ बेसिक सवाल होंगे, मैं आपको सवाल जो है आपको बता दूंगा, जो सवाल होंगे आपने उसके मुताबिक जो है इस वीडियो को तैयार करना है। मतलब चीज़ें चेक कर लूँ कहीं मैं कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा। हाँ, एक और चीज़ हमने यहाँ पे ऐड करनी है, हम उस चीज़ को यहाँ पे ऐड करेंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है आपने, प्रोफिशिएंसी जो भी है लेटर आपने लेना है अपनी कॉलेज से। आप कॉलेज में जाकर ने बताया जी हमें ये लेटर चाहिए, वो आपको ये लेटर प्रोवाइड कर देंगे। इस लेटर पे लिखा ये होता है कि आपने की जो एजुकेशन थी वो इंग्लिश मीडियम के अंदर थी, मतलब कि आपको इतनी इंग्लिश आती है कि आपको आयल्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये लेटर नहीं है तो पॉसिबल है यूनिवर्सिटी आपसे आयल्स मांगे, आयल्स या PTE ये चीज़ें मांगे। ऑफकोर्स अब आप जाके आयल्स तो नहीं करेंगे, तो बेहतर है आपके पास ये लेटर हो। अगेन ये हर यूनिवर्सिटी नहीं मांगती, लेकिन आई वुड से कि 60% के आपको जो है यूनिवर्सिटी ये मांगना स्टार्ट करती है। हाँ सर, जो MOAC यूनिवर्सिटी है वो ये चीज़ मांगती है, और MOAC यूनिवर्सिटी एक और चीज़ मांगती है, वो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखता हूँ इस चीज़ को, आपकी बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ, बैंक स्टेटमेंट जो है वो पहले मांग लेती हैं कुछ यूनिवर्सिटी, खास करके जो MOA है वो मेक श्योर करना चाहती हैं। जैसे हमारी फीस 30,000 आरंभी है पर ये, तो क्या आपके पास इतना बजट है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी को अफोर्ड कर सकते हैं? तो इसलिए ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बैंक स्टेटमेंट पहले मांगती हैं, बैंक डिपॉजिट सर्टिफिकेट मांगती हैं। तो आपने ये चीज़ भी जो है, अगर मैं आपसे मांगूँ तो आपने ये मुझे चीज़ प्रोवाइड करनी है। आई थिंक मैंने प्रीटी मच हर चीज़ जो है वहाँ पे मेंशन कर दी है। बाकी ड्यूरिंग जब आपका एडमिशन होगा, ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपसे सबसे पहले मांगूंगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मस्ट हैं, एट अ टाइम हमें चाहिए। और उसके साथ जो है आपको मस्ट चीज़ जो है वो है जी आपकी एप्लीकेशन फ़ी। आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो फॉल करती है डिफरेंट कैटेगरी की, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, 800 RMB से ले कर ये 2000 RMB तक ये जाती है, डिपेंडिंग ऑन विच एवर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं। अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो ये चीज़ रिफंडेबल होती है मोस्टली केस के अंदर, और अगर आपका एडमिशन हो चुका है, हर चीज़ हो चुकी है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज रिटर्न करती हैं, लेकिन पार्ट ऑफ रिटर्न करती हैं, मोस्टली रिटर्न नहीं करती, आपका एडमिशन हो चुका है। अच्छा जी, ये है जी वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए। आपने ये वीडियो देख ली, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल बचता है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही कि इनमें से कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं किस तरीके से हमें अप्लाई करने हैं, या फिर हमारे पास वो फिलहाल नहीं है, क्या आप स्टिल फर्दर वो जो है एडमिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप मुझे बताएं, मैं आपको इंडिविजुअली जो भी आपकी नीड्स होगी उसके मुताबिक आपको रिप्लाई वगैरह कर दूंगा। ठीक है, ये है जी बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। मैं अगेन एक दफ़ा डबल चेक कर लूँ कि क्या हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो मैंने मिस तो नहीं कर दिया, क्योंकि ड्यूरिंग वीडियो बड़ा प्रेशर होता है चीज़ का। अच्छा जी, हाँ यही सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने लेना है, ताकि जब भी आप ये स्क्रीनशॉट देखें तो आपकी जो सारी जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो वीडियो है वो रिवाइज हो जाए। तो जी ये थी सारी वीडियो, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के अंदर। कोई आपका सवाल है, कोई आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है चाइना के अंदर, आप मेरे से कंटेक्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको चाइना में जो है उसमें एडमिशन कराऊंगा, वो बेशक नॉन MOE है या फिर वो MOE है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। ओके, बाकी आपको मैं अगली वीडियो के अंदर अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।